नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, ग्रुप डी के जो एग्जाम है, सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है। मैं आपके लिए मैथ्स की क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के आए थे, ठीक है ना, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। रवीना किसी काम को 80 दिन और सविता की मदद से वही काम 20 दिन कम में पूरा हो जाता है। यदि उन्हें कुल 2400 रुपये दिए जाते हों तो सविता का हिस्सा क्या है? दोस्तों देखिए, रवीना, ठीक है, और क्या नाम है? सविता। अब रवीना अकेले कितने दिन में कर रही है? 80 दिन में। और सविता और रवीना, ठीक है ना, इन दोनों का दिया नीचे आप क्वेश्चन में देख लीजिए। ये देखिए, इसकी सहायता, सविता की सहायता से कितने दिन कम में कर रही है? 20 दिन कम, तो 80 में से 20 कम करेंगे इतने, इनका एलसीएम लेंगे हम, तो टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों? हमारा 240 काम हो गया। हमारा कुल काम कितना है? 240, क्योंकि इनका हम एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों 24 आएगा 8 और 6 का 1, पीछे 0 लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हम एफिशियंसी देखते हैं यहाँ से दोस्तों, ठीक है ना। तो एफिशियंसी देखें तो दोस्तों, इसकी कितनी है? रवीना की 3 है, ठीक है, और इसकी देखें तो हम 6 का भाग देंगे तो इनकी कितनी आएगी? 4 आएगी, ठीक है, कितनी आएगी? 4, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कितनी आ रही है? 4 आ रही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, रवीना के तो 3 है और रवीना और सविता के 4 है, तो मैं यदि रवीना के स्थान पर 3 रख दूँ तो सविता का कितना होगा? सविता का आप कहेंगे कि 1 होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 4 है, 4 में से 3 घटाओगे तो सविता का कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, रवीना का मैं आर कर रहा हूँ, सविता का एस कर रहा हूँ। रवीना का अनुपात कितना है? यहाँ से 3 है, ठीक है, और सविता का कितना है? 1 है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए ध्यान से, बिल्कुल आराम से देखना आपको। तो ये बोल रहा है कि काम पूरा हो जाता है यदि उन्हें कुल कितने रुपए मिले? 2400, तो सविता का हिस्सा। रुपए कितने दोस्तों? टोटल 2400 है, और हमें हिस्सा किसका पूछा जा रहा है? सविता का। तो दोस्तों देखिए, टोटल दिए हैं तो टोटल का भाग दे दो, यानी 4 का भाग दे दो, 3 और 4, और फिर सविता का पूछ रहा है, सविता का रेशियो कितना है? 1, तो 1 से आप भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 600 रुपये, ठीक है ना। और दोस्तों यदि इसका पूछता ना रवीना का, तो 1800 रुपये हो जाता, ठीक है ना, बिल्कुल बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और परिकेंद्र की बात की जा रही है दोस्तों। कोण ए ओ बी 40 डिग्री, ए ओ बी कितने डिग्री है? 40 डिग्री हो तो कोण ए डी बी। दोस्तों कुछ भी नहीं है, देखिए ध्यान से, जब इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपको पूछे और परिकेंद्र दिया हुआ हो ना, तो दोस्तों ये जो कोण दिया, इसके पीछे वाला कोण पूछे ना, तो दिया गया कोण है ना, उसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम देखें, यदि कोण ए डी बी, तो ये हो जाएगा दोस्तों कोण AOB/2। अब दोस्तों देखिए, कोण AOB का मान कितना है? 40 डिग्री, और बट्टे में आप 2 करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है ना दोस्तों। आपके समझ में आ गया, पीछे वाला कोण हमेशा आधा होता है इसका, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री से, देखिए एक बार फिर से ध्यान से। sin² 58 डिग्री + sin² 32 डिग्री। दोस्तों जब इस प्रकार से हो, यानी कि sin² sin² और यहाँ पर इन दोनों जो ये है ना, ये इन दोनों का योग, यानी a + b, ठीक है ना, इनका योग यदि दोस्तों 90 डिग्री, ऐसा फॉर्मूला होता है, sin² a + sin² b, ठीक है ना दोस्तों। यदि a + b 90 डिग्री होना, तो हमारा आंसर हमेशा कितना होगा? 1 होगा, हमेशा याद रखें। ये मैंने आपको पहला तरीका बताया, ठीक है। अब देखिए आप दूसरा तरीका इसका कैसे करोगे, देख लीजिए। sin² 32 डिग्री है दोस्तों, ये कैसे बना है? मैं कह दूं, ऐसे बना है कि sin² 90 - 58, ऐसे तो बना है। इसे हम एज इट इज रखेंगे, sin² 58 डिग्री, ठीक है ना दोस्तों। अब sin² 90 - θ क्या होता है? cos थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इसके स्थान पर cos² 58 डिग्री, ठीक है ना। और ये है दोस्तों प्लस आपका sin² 58 डिग्री, तो sin²θ + cos²θ या cos² + sin²θ बराबर कितना होता है? 1 होता है, यहाँ से भी आपका आंसर 1 है दोस्तों। लेकिन आप इस ट्रिक का यूज करना कि दोस्तों जब इस तरफ और इस तरफ स्क्वायर और इन दोनों का योग 90 हो, तो आपका आंसर ऑलवेज 1 होगा, 1 होगा, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर एक राशि 12 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है, दर। ऐसा क्वेश्चन दर भी है तो आपको करना क्या है दोस्तों, ठीक है ना, दर पूछे है, समय पूछे है, तो गुणा माइनस एक बट्टे समय और गुणा आपका ऑलवेज होगा 100। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर दर पूछ ले तो यहाँ समय आ जाएगा, और समय पूछ ले तो यहाँ पर दर आ जाएगी, यहाँ समय आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए आपको करना क्या है, गुणा कितना हो रहा है, 5 गुना, 5 में से आप एक कम करोगे यानी आपका यहाँ से आ जाएगा 4, बट्टे आपका समय कितना है 12 है, मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से। दोस्तों आप इसको इससे कैंसिल करोगे 3 बार और 100 में 3 का भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33, 1/3% आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, दर हो जाएगी, ठीक है ना, ये आसान सी ट्रिक है इसकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी इजी है, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जा रहा है। 81 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 4 बार 9 लिख लिया, 5 अंकों को पूछे तो 5 बार 9 लिख लिया, यानी जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछने उतने ही 9 होंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि इसमें आपको 81 का भाग देना है, तो 81 का भाग दोगे तो दोस्तों यहाँ से आपका कितना बच गया, 18 से बच गया, आपने 9 उतारा। अब 81 और 81 कितने होते हैं, 162 होते हैं, ठीक है ना, 162 होते हैं दोस्तों। यहाँ से आपका जो शेष बचेगा वो बच जाएगा 27, ठीक है, ये 9 उतारोगे आप, ठीक है, 8 * 24 = 243, ठीक है ना, ये 243 आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें से आप इसको घटाओगे तो आपका शेष कितना बचेगा, यहाँ से 6, यहाँ से 3, 36 शेष बच रहा है। अब दोस्तों देखिए आपकी जो अभीष्ट संख्या है ना, ठीक है ना, वो उत्तर वो यहाँ से आ रहा है 999, इनमें से जो शेष बच रहा है दोस्तों उसे आप घटा दीजिए, तो आप इसको घटाओगे तो दोस्तों 99 में से आप 36 को घटाओगे तो आपके पास में बच जाएंगे 63, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी तरह से करना है, ये इसकी इजी ट्रिक है, ठीक है ना, इससे और आसान और इजी तरीका नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी आपको बेसिक का यूज करना है, सिर्फ अपने माइंड का यूज करना है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देखिए ध्यान से। 329 को किसी निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल 65 का शेष प्रसार हो प्राप्त होता है, तो भाजक बताइए। तो दोस्तों शायद आपको एक फॉर्मूला आता होगा, वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, ठीक है ना, और प्लस क्या होता है आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल। दोस्तों जो है वो रखते जाइए, ठीक है, आपके पास भाज्य कितना, संख्या कितनी है, 329 329 है, भाजक का हमें पता नहीं है तो मैं भाजक को भाजक ही रखूंगा, मल्टीप्लाई में आपका कितना है भागफल कितना है 65 दिया, इसमें शेषफल कितना दिया दोस्तों, इसने 4 दिया। अब देखिए आपको करना क्या है, आराम से देखिए, ये 4 है ना, ये 4, ये सबसे पहले हम इसमें से घटाएंगे, 329 में से 4 घटाएंगे, हमारा यहाँ पर बच जाएगा 325। अब इस साइड आपका बचा हुआ है भाजक गुणा 65, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आगे ये देखिए, हमें तो क्या निकालना है, सिर्फ भाजक निकालना है, तो मैं तो इस साइड सिर्फ भाजक को रखूंगा, ठीक है ना, 325 है, ठीक है, इसमें मैं 65 का भाग दूंगा, तो दोस्तों देखिए 65 का आधा क्या होता है 32.5, अरे 32.5 ही तो, ठीक है, चलो मैंने ये मान लिया, आपको भी नहीं आता मुझे भी नहीं आता, लेकिन देखिए हम इसे किस तरह से करते हैं, ठीक है ना, इसको दोस्तों मैंने 2 से गुणा कराया, इसको भी 2 से करवाया। अब ध्यान से देखना हो क्या रहा, यहाँ पर हो गए 130, इजी करने के लिए सिर्फ दोस्तों आपको समझाने के लिए, ध्यान से देखिए 130, इसका हम डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 650, इसको इससे कैंसिल किया दोस्तों आ गया ना हमारा आंसर 5, ठीक है ना, मैंने पहले भी कहा दोस्तों ये इजी करने का तरीके है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2 संख्याएं 18:11 के अनुपात में है, यदि उनका मैश 13 है तो संख्याएं क्या है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है, और ये लैस मैश का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जब भी पूछे, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको यदि ज्ञात करनी है, तो पहली संख्या का रेशियो कितना है 18, तो इसे आप दोस्तों इस मैश ऐसे एच सी एफ से मल्टीप्लाई कराते हैं। दूसरी संख्या का रेशियो कितना है 11, इसे भी आप इसके एच सी एफ से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 18 का पहाड़ा आप 13 बार बोलोगे तो दोस्तों यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 18 * 54 का 4 हासिल हो गई आपकी 5, ठीक है, 18 में 5 जोड़ोगे यहाँ से आपका 23, 234 तो आपकी पहली संख्या, नेक्स्ट तो दोस्तों यह है दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 143, यही आपके आंसर है।
ठीक है ना, आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल इनका आप मैं से लेकर देखोगे तो 13 ही आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए, आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।